कि लदर मेयर क्लासिफिकेशन में जैसे डॉबरेनर की मैंने बात की कि एलिमेंट्स कम डिस्कवर थे और उसकी बुनियाद जो उसने रखी थी अपनी बात को जो एक्सप्लेन जिस तरीके से किया था वो भी थोड़ा सा गलत साबित हुआ था वक्त के साथ। न्यूलैंड में भी कुछ यही सिलसिला था। बात अगर लदर मेयर की करें तो लदर मेयर क्लासिफिकेशन का सिलसिला तो कुछ ऐसा था कि लदर मेयर ने क्लासिफिकेशन तो की थी बट लदर मेयर ने कोई टेबुलर फॉर्म ड्रॉ नहीं की थी, यानी कि एलिमेंट्स को जस्ट उसने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी बट वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कतन पीरियोडिक मैनर में कंसिडर नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की या पीरियोडिक की तो हम कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्स को उसमें पीरियोडिक या टेबुलर फॉर्म में टेबल की फॉर्म में अरेंज कर सकें। ये हमारी कोशिश होती है, इट इज नॉट नेसेसरी बट ये हमारी कोशिश होती है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में किसी भी चीज को पढ़ना जो है ना जरा निस्बतन आसान होता है। ग्राफिकल मैनर में अगर कोई चीज मैं आपके सामने रखूं तो उसको स्टडी करना उसको देखना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है एज कम्पेयर टू टेबल। इंजीनियरिंग या प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो प्रोफेशनल जब आप हो जाएंगे यानी कि आप आगे अगर मेडिकल और इंशाल्लाह इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब आप लोग जाते हैं तो वहां तो आप लोग के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। आप लोग उस वक्त शायद मेरा ये जुमला अजीब लगे, सर ये ग्राफ में क्या मसला है, मतलब ये तो बच्चों वाली बात है। हाँ ठीक है होगी, लेकिन उस वक्त तक आप इतना मिच्योर हो चुके होंगे। अगर हम छोटे जहनों की बात करें यानी कि बच्चों की सोच की बात करें तो उस एतबार से टेबल को स्टडी करना जरा आसान होता है ग्राफ के मुकाबले में। तो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन की सबसे अहम बात तो ये थी कि मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल टेबुलर फॉर्म में बनाया था, यानी कि बेसिकली पहला टेबल जो होता है वो पहला टेबल इसने बनाया था। डॉबरेनर ने कोई टेबल नहीं बनाया, न्यूलैंड ने कोई टेबल नहीं बनाया, लदर मेयर ने कोई टेबल नहीं बनाया, मेंडलीव ने अलबत्ता टेबल बनाया था। अच्छा एक और हैरानकुन बात आपको बताऊं कि मेंडलीव और लदर मेयर दोनों की क्लासिफिकेशंस एक ही ईयर में सामने आई थी, कुछ महीनों का फर्क था लदर मेयर की और मेंडलीव की। लदर मेयर की क्लासिफिकेशन मेंडलीव से थोड़ी पहले आई थी और मेंडलीव के उसके शायद 1 या 2 महीने बाद सामने आई थी, लेकिन फिर भी लदर मेयर को इतनी पजीराई हासिल नहीं हुई जितनी पजीराई मेंडलीव को हासिल हुई है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह थी कि उसने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था, और फिर एक्सेसिव नॉलेज जो मेंडलीव ने प्रोवाइड की थी ना वो लदर मेयर ने भी प्रोवाइड नहीं की। तो आज की हमारी पूरी कहानी इंशाल्लाह हम बात करेंगे मेंडलीव के हवाले से। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट था, दिमित्री मेंडलीव इसका नाम था। 1869 में इसने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो होती हैं आर पीरियोडिक फंक्शंस। हाँ भाई इंजीनियरिंग वालों चैप्टर 1 पढ़ लिया मैथ्स में, बहुत सर सारे चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। अच्छा चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, 1 नहीं पढ़ा? वो अभी नहीं पढ़ा सर। चलो जाओ फिर, माफ किया, वरना फिर तुम लोगों को आज एक जलील करने का मौका आ गया था। खैर अच्छा देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस का मतलब क्या है? ये जो लफ्ज है ना पीरियोडिक फंक्शंस, इस लफ्ज पे जरा गौर करना। देखो पीरियोडिक का मतलब होता है ग्रेजुअली या विद द पैसेज ऑफ टाइम, कोई चीज अगर कुछ वक्त के बाद बार बार हो उसको कहते हैं हम पीरियोडिक। और फंक्शन कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक को, यानी कि कोई चीज अगर किसी चीज पे डिपेंड करे। लाइकवाइज अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एस एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल नहीं सॉरी वाई इज इक्वल टू 2x या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, चलो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक्स विल बी द फंक्शन ऑफ वाई। एक्स क्या है, वाई का फंक्शन है, यानी कि एक्स में जैसे जैसे चेंजेस लाऊंगा वैसे वैसे चेंजेस वाई में आएंगे। जब हम मैथमेटिकल या इंजीनियरिंग नॉलेज के हवाले से बात करते हैं तो जो एक्स होगा यहां पर ये एक्स कहलाएगा वाई का फंक्शन,
पीरियोडिक फंक्शन, इंजीनियरिंग वाले तो खैर चैप्टर वन में इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, ये तफसील जरा मेडिकल वालों के हवाले से, पीरियोडिक फंक्शन मैंने कह दिया, पीरियोडिक फंक्शन इसको कहेंगे फंक्शन, यानी कि कोई चीज अगर किसी चीज की ताबे होती है उसे कहा जाता है फंक्शन। अब ये ताबे होना क्या होता है, यानी कि किसी चीज के जैसे कह सकते हैं ना कि आप हुक्म के नीचे हो, ताबे का मतलब होता है कि आप किसी चीज के हुक्म के नीचे हो, यानी कि वाई जो है ना वो एक्स के फंक्शन में है, यानी कि एक्स में अगर कोई चेंजेस लाऊंगा तो वाई में चेंजेस आएंगे, एक्स में अगर कोई चेंजेस लाऊंगा तो वाई में चेंजेस आएंगे, यानी कि वाई जो है वो एक्स की सुपीरियोरिटी में आता है, यानी कि जैसा हुक्म एक्स देगा वैसा वाई कर लेगा। तो यहां पर जब मैं कह रहा हूं ना पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक का मतलब तो है ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, फंक्शन का मतलब क्या है कि ये किसी चीज के डिपेंडेंस में आएगा। अब यहां पर वो किस चीज के डिपेंडेंस में आ रहा है, यहां पर डिपेंडेंस में आ रहा है एटॉमिक मासेस के, यानी कि आसान लफ्जों में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मास पर, सिंपली ये कहा है मेंडल। तस्लीम मैसेज कर रही है ग्रुप पे कि उसे एक्सेप्ट कर लो। अच्छा बेटा मैंने देखा नहीं था, ठीक है बेटा, तो पीरियोडिक लॉ समझ में आ गया आप लोगों को, पीरियोडिक जो इसने बात कही लॉ जो है इसका वो समझ में आ गया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किस पर बेस करेगी, उसके एटॉमिक मास पर, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज करूंगा वैसे वैसे उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। बट चूंकि यहाँ पर लफ्ज पीरियोडिक आ गया तो इसका ये मतलब होता है कि कुछ वक्त के बाद यानी कि मास के कुछ चेंजेस के बाद ऐसा होगा कि प्रॉपर्टीज पिछले वाले एलिमेंट की रिपीट हो जाएगी। अच्छा मेंडलीव की एक कारस्तानी ये भी है कि इसने न्यूलैंड की तरह ना अपने लॉ को मखसूस नहीं किया। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, मेंडलीव ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेंडलीव ने कहा कि भाई एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा लेकिन कितने एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा ऐसी कोई बात मेंडलीव ने की ही नहीं, जान छोड़ा ली मेंडलीव ने, बोला कि भाई जान बचाओ। आ रही बात समझ में, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं सेलियंट फीचर्स की। सेलियंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो इसका पीरियोडिक टेबल था उसके कुछ सेलियंट फीचर की बात करते हैं। अच्छा जब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सेलियंट फीचर, तो यहां सेलियंट फीचर से मेरी मुराद यह है कि उसका पीरियोडिक टेबल कैसा है, यानी कि जब आप किसी की तारीफ बयान करते हैं तो जब किसी चीज की तारीफ बयान हो रही होती है उसे हम फीचर्स बताना कहते हैं। लाइक आप कोई मोबाइल लेने गए तो मोबाइल लेते वक्त आप उसके जब दुकानदार से सवाल करते हैं तो आप यही बोलते हैं कि भाई इसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं या इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना। तो फीचर्स यहाँ पर यही है, मैं आपको सेलेंट फीचर्स पढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप अगर एक नजर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देख लें तो आप लोग। चलो भाई खैर स्क्रीन शेयरिंग पर आ जाते हैं और आपको कुछ चीजें समझाते हैं। भाई सबसे पहले तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के सेलियंट फीचर्स आपको नजर आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, किसी के पास भी शो नहीं हो रही सर, आप आ गए? नहीं सर शो हो रही है। Okay. थोड़ा टाइम लगता है बेटा, सर व्हाट्सएप के ग्रुप पे किसी ने भेज दिया है पीरियोडिक। अब मैं यार अपना व्हाट्सएप तुम लोगों के सामने स्क्रीन शेयरिंग पे खोलूंगा अच्छा थोड़ी लगेगा। खैर अब मैंने खैर डाउनलोड भी कर लिया है, इमेजेस है मेरे पास, आगे चलते हैं। देखो सेलियंट फीचर्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके अच्छा देखो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के सेलियंट फीचर्स आपके सामने लिखे हैं, तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमने लिखे हुए हैं नोट्स में, ये नोट्स की ही इमेज है। द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज पीरियड्स, जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे उनको हम पीरियड कहेंगे। अच्छा इस बात से आप वाकिफ भी हैं क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुका हूँ
तो उसमें ग्रुप पीरियड की इतनी हमने बात की है कि मेरे ख्याल से अब कुछ याद हो या नहीं हो, कम से कम ये दो लफ्ज तो याद हो ही गए होंगे। आगे चलते हैं। द अरेंजमेंट वॉज डन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये तो ऑब्वियस है, एटॉमिक मास पर पीरियोडिक फंक्शन बेस कर रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही होगा। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने इंक्लूड क्यों किया है? इंक्लूड बेटा इस वजह से किया हुआ है क्योंकि देखो पीरियोडिक स्टेटमेंट जो है ना लॉ की, वो ये कि आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये तो लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है कैसे भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, अप एंड डाउन ऑर्डर हो सकता है, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, ऑर्डर तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऑर्डर क्या होगा, तो वो यहाँ पे मैंने सेलिएंट फीचर्स में इसको जरा क्लियर किया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस करेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? द एलिमेंट्स इंडिकेटिंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जो एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद एक दूसरे रिपीट होते हैं। रेगुलर इंटरवल का मतलब यहाँ पर न्यूलैंड वाला मत ले लेना कि 8 एलिमेंट के बाद या 18 एलिमेंट के बाद आ रहे हैं, न्यूलैंड वाला मत समझना। यहाँ पर रेगुलर इंटरवल का मतलब कुछ और है, जब मैं पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है, मुझे याद दिलाना। He predicted the properties of those elements which were yet to be discovered. ये तो advantages में भी है, मतलब ये Mendeleev का सबसे बड़ा काम है। आजकल अभी एक आध दिन पहले की बात है, मुझे मेरे एक दोस्त ने एक मीम भेजी। अच्छा, मीम क्या थी? वो कोई बंदा है, चश्मा लगाया हुआ है और उसका कुछ डायलॉग है कि तुझे पता है कि तू है नहीं, तू है, इस तरीके का कुछ मीम था वो। मैंने पूरी वो वीडियो देखी तो मुझे वो कहानी समझ में आई कि वो असल में है क्या, लेकिन वो वीडियो थी बड़ी क्लास की, क्योंकि जो उसका डायलॉग था ना, नहीं तू है, तुझे नहीं मालूम लेकिन तू है, तुझे पता है, ये बिल्कुल सेम सिनेरियो मेंडेलीव पर अप्लाई होता है। मेंडेलीव वो सर वो उसके लिए था, वो जो वो पॉल्डर नहीं होता ठंडक वाला, पता नहीं यार मुझे, मतलब मैंने वो शायद शो है कोई क्या है कुछ, आई डोंट नो, लेकिन ईस्ट का है वो। हाँ, तो वो बस वही वो है वाला सिनेरियो है कि एलिमेंट्स नोन नहीं थे, लेकिन मेंडेलीव चीज ठीक के कह रहा है, नहीं तुझे नहीं पता लेकिन तू है, मैं बता रहा हूँ तू है, सही है, ये वाला हिसाब था। सम गैप्स वर लेफ्ट इन दिस पीरियोडिक टेबल व्हिच हैड नॉट येट टू बी डिस्कवर्ड, और उसने गैप छोड़ दिए थे जिनको डिस्कवर होना था। तो अब आ जाते हैं कहानी, आपको दिखाते हैं मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, नजर आ रहा है सबको? यस सर। मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, आपकी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाइए कि उस वक्त तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे टिल देन, वो तमाम एलिमेंट्स उसने अपने पीरियोडिक टेबल में आपके सामने यहां रख दिए। और जैसा कि पीरियोडिक टेबल के उसमें बताया गया एक्सप्लेनेशन में कि वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप का नाम दिया था, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप का नाम दिया था। अच्छा, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना जी आर यू डबल पी ई, ये अजीब सी कोई ग्रुप की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो उससे परेशान मत होना, इसने रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंग्लिश में मुझे मिला नहीं, रशियन लैंग्वेज में उठा लिया मैंने, तो रशियन लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा जाता है। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है भाई? उनको कहा जाता है ग्रुप। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में ये बात याद रखना एमसीक्यूज के हवाले से कि 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको कहा गया था ग्रुप, और 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी ऐसे लेफ्ट टू राइट जिनको कहा गया था पीरियड, ठीक है, 1 to 12 ये थी और 8 इसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स थे। अब इसने ये सारे एलिमेंट्स को प्लेस किया, प्लेस करने के बाद इसने कहा कि वो तमाम एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, सही है, वो तमाम एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं, वो तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होगी। यानी कि जैसे इसने यहां ग्रुप वन में प्लेस किया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबीडियम, सिल्वर, सीजियम, फिर यहाँ नीचे गोल्ड और इसके नीचे फ्रेंशियम होगा जो अभी फिलहाल इमेज में आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, आपस में सिमिलर होगी। तो वो जो आवाज आ रही है बेटा, ठीक है, अगर आवाज लैक हो तो बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है। तो
अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। सेम यहाँ पर जो ग्रुप टू देख रहे हो, ग्रुप टू के अंदर भी कुछ इस तरह का ही मामला है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रॉन्शियम, कैडमियम, बेरियम, मर्करी और इसके नीचे रेडियम होगा, वो नजर नहीं आ रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट जिस कह सकते हैं कि की फैक्टर इसके पीरियोडिक टेबल का, एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा। ओके, इसके पीरियोडिक टेबल का जो सबसे की फैक्टर था वो क्या था कि इसने गैप्स छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में और इसने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले वक्तों में उस जगह पर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, मतलब एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उन जगहों पर वो एलिमेंट्स आएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स की जिनके बारे में ये कह रहा था कि यार ये आगे आने वाले वक्तों में डिस्कवर होंगे, उन एलिमेंट्स के हवाले से मेंडलीव ने बाकायदा उनकी प्रॉपर्टीज का भी जिक्र किया था कि यार जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ना आने वाले वक्तों में वो उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, और उसी के बुनियाद पर उसने उनके नाम भी बताए थे जो मैं आगे चलकर जब इसके एडवांटेजेस का तस्करा आपसे करूंगा तो मैं इंशाल्लाह इसके एडवांटेजेस में बारी बारी उन तमाम पॉइंट्स को जिक्र करूंगा। तो सेलियंट फीचर के हवाले से आप लोगों को बात समझ में आ गई? कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर किसी को है तो वो पूछ सकता है। सर आ गई। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर सेलियंट फीचर तक आप लोग समझ चुके हैं, अच्छा एक चीज और जो मैं अभी देख रहा हूं कि कुछ बच्चे हैं जैसे महानूर शेख, नेहा, तैयब, इस्माइल, आप लोगों के नाम के आगे आप लोगों का जीआर नंबर मेंशन नहीं है, तो बेटा काइंडली अपने जीआर नंबर्स मेंशन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से। अगर अभी आप लोगों को नहीं पता, अभी पता है तो अभी लिख लें, और अगर नहीं पता तो आप कैंपस एडमिन से पता कर लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास से आपको अलाउ नहीं करूंगा कि अगर आपके जीआर नंबर्स मेंशन। माइक बेटा बंद कीजिएगा जरा, शोर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो फ्रॉम नाउ मूव करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस के हवाले से, इसके एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं। तो ये एडवांटेजेस आपके सामने आ रही हैं, इनको देख लीजिए। ठीक है, तो ये चार एडवांटेजेस आपको नजर आ रही होंगी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अच्छा, ये चार जो एडवांटेजेस हैं क्या हैं? पहली एडवांटेज तो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स है। इसने नए एलिमेंट्स के हवाले से प्रिडिक्ट किया कि आने वाले वक्तों में नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, और सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं किया था बल्कि उन एलिमेंट्स को इसने नाम भी दिया था। उसको इसने नाम क्या दिए थे, मैं नाम बता दूं अगर आप लोगों को, स्क्रीन शो हो रही है ना, एक को नाम दिया था इसने एका बोरॉन, एक को नाम दिया था एका सिलिकॉन, एक को नाम दिया था इसने एका एल्यूमिनियम, एक को नाम दिया था इसने एका मैंगनीज। ये इसने चार एलिमेंट्स के हवाले से 100% प्रेडिक्शन दी थी, और प्रेडिक्शन इसने और भी दी थी लेकिन ये वो चार एलिमेंट्स हैं जिनकी इसने बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत डिटेल्ड प्रेडिक्शन दी थी, और इन चार एलिमेंट्स की इसने प्रॉपर्टीज भी बताई थी। ठीक है, अच्छा रशियन लैंग्वेज में वर्ड एका जो होता है, रशियन लैंग्वेज में वर्ड एका का मतलब होता है सिमिलर। रशियन लैंग्वेज में वर्ड एका जो होता है ना उसका मतलब होता है सिमिलर, यानी अगर इसने कहा एका बोरॉन तो यानी कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो सिमिलर टू बोरॉन होगा। फिर इसने कहा एका सिलिकॉन, यानी कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो सिमिलर टू सिलिकॉन होगा। सेम एका एल्यूमिनियम, यानी कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो सिमिलर टू एल्यूमिनियम होगा। सेम जैसे कि एका मैंगनीज, इसने कहा एका मैंगनीज, तो एका मैंगनीज का मतलब है कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा वो मैंगनीज जैसा होगा। अच्छा, मैंगनीज जैसा का मतलब या एल्यूमिनियम जैसा का मतलब ये नहीं है कि एल्यूमिनियम या मैंगनीज होगा, बल्कि
कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टीज मैंगनीज या एल्यूमिनियम से बहुत ज्यादा मिलती जुलती होंगी, बहुत ज्यादा मिलती जुलती होंगी, नॉट 100% सिमिलर बट काफी हद तक मिलते जुलते होंगे। और सिर्फ इसने नाम ही प्रिडिक्ट नहीं किए थे बल्कि उसके साथ ही इन एलिमेंट्स की इसने प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि यार ये जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो इनकी डेंसिटी इतनी होगी अंदाजे के मुताबिक, इनका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। एंड यू नो व्हाट इज मोर एस्टोनिशिंग, जो सबसे ज्यादा हैरत का हामिल है वो ये है कि बाद में वक्त गुजरने के बाद ये एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए और इन एलिमेंट्स की जब प्रॉपर्टीज चेक की गई, एका बोरॉन नाम से जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम था गैलियम, एका सिलिकॉन नाम से जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम था जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम वाला मुझे याद नहीं आ रहा, एका मैंगनीज के नाम से जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उसका नाम था टेक्टेनियम। तो ये वो एलिमेंट्स थे जो इससे प्रिडिक्ट किए थे और इनकी ये चार एलिमेंट्स जो थे ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में, यानी कि 1870 में समझ लो इसने प्रेडिक्ट किया था 1869 में, और 1872 तक ये चारों एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज जब चेक की गई तो हैरत की बात ये पता चली कि ज्यादातर बल्कि मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टीज वो ऐसी थी जो कि मैंगनीज मेंडेलीफ ने बताई थी और वो सही साबित हुई थी। तो दिस वॉज द वेरी गुड एंड ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मेंडेलीफ कि उसने जो प्रेडिक्शन की थी वो 100% सही साबित हुई थी। तो पहला पॉइंट ये था, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, किसी को कोई सवाल या कंफ्यूजन? अच्छा, नोट्स में मैंने इस चीज की तफसील दी भी नहीं है कि इसने जो एलिमेंट्स बताए थे वो कौन से थे और क्या डिस्कवर हुए थे। अगर आप इसकी तफसील देखना चाहते हैं तो 9th क्लास की किताब में भी तफसील मौजूद है, और उसके अलावा मैंने भी यहाँ पर आपको ये बता दिया कि कौन से एलिमेंट थे, क्या नाम इसने सजेस्ट किए थे और वो जो डिस्कवर हुए तो वो कौन से एलिमेंट्स थे। ठीक है, कोई सवाल पहले पॉइंट में अगर किसी को है तो वो पूछ ले। नो सर। ओके बेटा। अच्छा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 18th सेंचुरी जो है ना वो बहुत केमिस्ट्री में रिवॉल्यूशन का हक रखती है, यानी कि रिवॉल्यूशन कहा जाता है 18th सेंचुरी को केमिस्ट्री में। रीजन बिहाइंड दैट इज के 18th सेंचुरी में केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई है, तो उस वक्त बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कवर हो रहे थे, बहुत काम हो रहा था, मतलब साइंस की दुनिया में खुसूसन केमिस्ट्री की दुनिया में 19th सेंचुरी जो थी आपकी और 20th सेंचुरी जो थी वो बहुत आगे गई है, बहुत ज्यादा। तो उस वक्त रिसर्चर्स ने बहुत सारे जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जब उनके एटॉमिक मासेस का तायुन करने का वक्त आया तो बहुत सारे एटॉमिक मासेस ऐसे थे जिसके हवाले से डाउट था, मतलब वो गलत कंसिडर होते थे, और मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स के मासेस को सही किया था। तो मैं इसकी एग्जाम्पल देने के लिए आपको वापस बोर्ड की तरफ ले चलता हूं। तो इसने क्या किया था, एक एलिमेंट था बेरिलियम जो कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक जेन्युइन एटॉमिक मास होता है 9 AMU, ये जेन्युइन होता है। लेकिन उस दौर में बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 AMU कंसीडर किया जाता था जो कि गलत है। मेंडलीफ ने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूला के तहत इसका मास निकाला। फॉर्मूला क्या बनाया इसने, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी, ये फॉर्मूला बनाया इसने। इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का निकालना मुश्किल बात नहीं है, आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़कर आ रहे हो, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने टाइट्रेशन के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तो तकरीबन हर ही टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में आप लोगों ने इक्विवेलेंट वेट निकाला होगा। तो मैं अभी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकल रहा है उस पर नहीं जा रहा, इक्विवेलेंट वेट आप वो उस वाली कैलकुलेशन से देख लो, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन से इक्विवेलेंट वेट किसी भी चीज का पता कर सकते हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, कोई कंपाउंड हो, किसी भी चीज का पता कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया आपने, जिसको निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया उसकी वैलेंसी से। अब बेरिलियम के बारे में ये कंफर्म था उस वक्त कि बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2, ये कंफर्म था, 100% कंफर्म था,
कि बेरिलियम की ये क्या है, ये बेरिलियम की वैलेंसी है और ये कंफर्म है, इसमें कोई किसी को शक या शुभात नहीं थे कि नहीं यार टू नहीं होती कुछ और होती है, सब मानते थे टू होती है। तो बेरिलियम का जब इक्विवेलेंट वेट निकाला तो वो आया 9.5 और वैलेंसी इसकी थी टू, तो 9.5 को जो आपने 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसके इक्विवेलेंट वेट आया था 4.5, जब आपने 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया 9। तो इससे इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया था बेरिलियम का, जो कि 100% सही था। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलेंगे। ले लिए सर। ठीक है, वापस आ गए हम अपने मामलात की तरफ। तो दो पॉइंट्स हमने देख लिए एडवांटेजेस के, अब आते हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट की एक सिस्टमैटिक स्टडी हो गई। देखो, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से पहले तक एलिमेंट्स की कोई अरेंजमेंट नहीं थी, यानी कोई ऐसा जरिया नहीं था जिस जरिए पे मैं तमाम एलिमेंट्स को एक साथ मुत्तहिद देखता और देख के उनके बारे में बहुत सारे चीजों का पता कर लेता। यानी आज अगर मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल रख दूं तो उस पीरियोडिक टेबल को आपका मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम मैं देखकर बहुत सारी नॉलेज बता सकता हूं, लाइक एग्जैक्ट एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर बता सकता हूं, आईपी और ईए की वैल्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनकी वैल्यूज तो नहीं बता सकता लेकिन उनका बिहेवियर जरूर बता सकता हूं कि कहां पर ज्यादा होगी, कहां कम होगी, क्या होगा। इसी तरीके से सेम एज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो भी मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता सकता लेकिन बिहेवियर बता सकता हूं कि बिहेवियर क्या हो। ठीक है, तो मैं ये चीज आपको बता सकता हूं। अब इसने जब अपना टेबल बनाया तो टेबल बनते ही तमाम एलिमेंट्स एक टेबल के सूरत में, एक छोटे से पर्चे की सूरत में आपके सामने आ गए और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक पर्चे में आपके सामने आ गई। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी, जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज आपको एक बहुत छोटे से टुकड़े को, एक कागज के छोटे से टुकड़े को पढ़ने से मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की एक और बड़ी अहम बात है वो ये है कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में उसने ग्रुप नंबर्स इंडिकेट किए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, यार ये बच्चे क्यों आ गए हैं अभी इस क्लास के अंदर। तो ग्रुप नंबर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं बेटा कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ, जो हर ग्रुप का जो नंबर है, जैसे हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हर ग्रुप का नंबर बताता है ना कि उस ग्रुप के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उनकी वैलेंसी बताता है ना। वैसे ही सेम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो उसने ग्रुप नंबर इंडिकेट किए ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये तमाम ग्रुप्स मेंडलीफ ने जो ये तमाम जो ग्रुप्स इंडिकेट किए हैं, ये तमाम के तमाम ग्रुप नंबर ये बताते हैं कि उस ग्रुप में मौजूद, यानी कि इस वर्टिकल कॉलम में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इनकी वैलेंसी एग्जैक्टली क्या होगी, ये पता चलता है हमें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के इन ग्रुप नंबर से। अब सिस्टमैटिक स्टडी वाले पॉइंट को भी देख लो कि मान लो ये सारे एलिमेंट्स जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग किताबों में लिखी हुई हैं, इसको एक पीरियोडिक टेबल की सूरत में यहां आप अपने सामने ले आए। अब इस पीरियोडिक टेबल की सूरत में जब आपने इसको अपने सामने ले आए हो तो अब आप बहुत सारी चीजों को का जजमेंट दे सकते हो, यानी कि ये तमाम एलिमेंट्स, इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तमाम के तमाम ये मेटल्स हैं, इस तरह की और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप सिस्टमैटिकली सिर्फ इस पीरियोडिक टेबल को देखते हुए ही बता दोगे और वो सिस्टमैटिक भी होगा, उसमें कोई इस किस्म का मसला भी नहीं होगा कि सिस्टमैटिक पैटर्न से आप आउट हो रहे हो। तो क्या मेरे ये तीसरे और चौथे पॉइंट क्लियर हो गए आपको? यस सर।
ठीक है, अगर आपको मेरा तीसरा और चौथा पॉइंट क्लियर हो गया है तो फिर डिफेक्ट्स की बात आज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया है, तो डिफेक्ट्स की बात इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में हम करेंगे जो कि कल है, और इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है बाकी, तो बाकी बात इंशाल्लाह आपसे कल होगी, अगर कोई सवाल है तो पूछ लें वरना मैं क्लास ऑफ करूँ। ठीक है बेटा, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।